के किरण रिजिजू जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय और बहुत दुख के साथ खड़ा हो रहा हूँ। 72 साल मेरा बात सुन ले जाए, ये मुझे नहीं पता आप किसको बचा रहे हैं। ना ना ना, डेमोक्रेसी नहीं कह सकता आप किसको बचा रहे हैं। डेमोक्रेसी का बात ना करें, आपके पास लोकतंत्र का ऑनरेबल मिनिस्टर अधिकार नहीं है। आई कम टू द डेप्यूटी लीडर सर, आई कम टू द डेप्यूटी लीडर आफ्टर ऑनरेबल सर। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है, इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं आप। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं, इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं, इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति का पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे। और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जो सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पड़ रहा है। कांग्रेस का नेत्र और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जोश सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो, और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रहकर के भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, हमेशा गरीब तबकों के लिए बात किया है। इस देश को, संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है इसको रक्षा करने के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है। हम लोग गर्व है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पे आसीन है। हम लोग फख्र महसूस करते हैं। और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे। और पूरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए। मैं सर ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूँ सर। Three and three. Very single.
सभापति की विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इधर बैठे लोग सभी लोग संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। ये अम्बेडकर का